हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन में क्या होता था कि हमने फूड लिया, फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया, छोटे पीसेस में कट हो गया, ब्लड में चला गया, एब्जॉर्ब हो गया, और जो यूज़फुल सब्सटेंस थे वो सेल के अंदर चले गए। सेल से क्या रिलीज़ होती है? एटीपी रिलीज़ होती है। एटीपी मींस एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स, बस हमें एटीपी चाहिए। लेकिन जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस हैं उनको क्या हुआ, वो कैसी बॉडी से बाहर गए, कैसे बॉडी से बाहर जाते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए हम समझेंगे कि हम अपने घर में डोमेस्टिक गार्बेज इकट्ठा करते रहते हैं किसी कंटेनर में, किसी बाल्टी में या किसी भी कंटेनर में, हम अलग से अपने घर का डोमेस्टिक गार्बेज जितना भी है उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। ओके, अगले दिन हम उसको पैकेट अलग अलग थैलियों में भर के बाहर रख देंगे, तो एक गाड़ी है, ये गाड़ी वाला उस थैले को उठा के ले जाता है और शहर से बाहर कर देता है। तो ऐसे ही घर के अंदर डोमेस्टिक गार्बेज होता है जिसे घर से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको डे बाय डे नहीं बाहर करोगे तो क्या होगा, तो घर में बहुत डर्टी हो जाएगी, घर में इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी से जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है या वेस्ट है अगर हम उसे बाहर नहीं करेंगे बॉडी से, तो हमें क्या होगा, हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा, सब एनमॉल्टी हो जाएगी, डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए देयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ द वेस्ट। कैसा वेस्ट? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट था, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट था, उसको बाहर निकालना बॉडी से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये प्रोसेस केवल ह्यूमन बॉडी में ही नहीं, ये प्रोसेस केवल ह्यूमन बॉडी में ही नहीं बल्कि बर्ड्स में भी होता है और इंसेक्ट में भी होता है। ओके, और प्लांट्स में भी होता है। हम प्लांट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस जो एक्सक्रीट होता है बॉडी से वो कैसे होता है, मैन में, मैन से, बर्ड से और इंसेक्ट से, वो कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वेस्ट रिलीज़ होता है मैन से। मैन से क्या वेस्ट रिलीज़ होता है? यूरिया। यूरिया मतलब NH2CO, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या है, देखो नाइट्रोजन है तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, यूरिया रिलीज होता है। यूरिया मतलब यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। हु आर द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन बींग्स। हु आर द यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन बींग्स। एंड अब बर्ड से क्या रिलीज होता है? बर्ड से भी वेस्ट रिलीज होता है, इसे कहते हैं यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? यूरिक एसिड। बर्ड्स को क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। एंड इंसेक्ट से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है? अमोनिया। कौन सा होता है? अमोनिया, इसे कहते हैं अमीनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। हु आर द यूरोटैलिक? हु आर यूरिकोटैलिक? हु आर अमीनोटैलिक? आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो केमिकल रिलीज होता है आपको ये लर्न होना चाहिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे हाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोसेस इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीट सिस्टम क्या है, वो कैसे होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग पार्ट था जिसमें स्टमक था, इसोफेगस था, इंटेस्टाइन था। ठीक है, इंटेस्टाइन था। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में? हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी क्या करती है? जितना भी यूज़फुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंस होता है उसको सेपरेट आउट करती है, फिल्टर करती है। फिल्टर का मतलब ऑस्मोसिस करती है। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ द वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि एक छलनी लगाते हैं, छलनी के थ्रू क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और जो पानी होगा वो अलग हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस होगा। इसका मतलब क्या है कि ये किडनी दो एक आर्टरी से जुड़ी होती है, रेड वाली आर्टरी है, ओके, और ब्लू क्या है? वेन है। आर्टरी में क्या होता है? जो इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं, यूज़फुल भी होता है और नॉन यूज़फुल भी होता है, जो कि ब्लड से आता है, ठीक है, ब्लड से आके किडनी में चला जाएगा। लेकिन रेनल वेन के थ्रू कौन सा जाएगा? जो कि प्योर सब्सटेंस होगा, जो कि प्योर
सब्सटेंस होगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वी कैन सी किडनी का डायग्राम है। किडनी क्या है? एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है जहाँ से सारा फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होता है। वी कैन सी इट इज़ द साइट फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें भी एक रेनल आर्टरी है और रेनल वेन है। हमने उसमें पढ़ा था रेनल आर्टरी और रेनल वेन। रेनल आर्टरी और रेनल वेन किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है? अपीयर ऑफ यूरेटर। याद रखिएगा, टू किडनी होती हैं और टू यूरेटर होते हैं। टू किडनी और टू यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिथ्रा। वन यूरिनरी ब्लैडर एंड टू किडनी। ब्लू रेनल वेन, रेड रेनल कॉर्टेक्स। इनसाइड पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज द मेड्यूला एंड द टॉप मोस्ट पार्ट वी कैन सी दिस इज नोन एज द एड्रिनल। इसका फंक्शन भी हम देखेंगे, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है? किडनी, किडनी का अल्ट्रास्ट्रक्चर है। ये किससे जुड़ा हुआ है? रेनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है, रेनल वेन से जुड़ा है। अब रेनल आर्टरी रेनल वेन किससे जुड़ेंगे? यूरेटर से जुड़ेंगे। टू पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। ओके, जहाँ से यूरिन पास होता है। अब आगे पढ़ेंगे, अगर हम इस किडनी को काट कर देखते हैं, ठीक है, तो ये किडनी ऐसी दिखाई पड़ेगी। इसमें क्या होगा? देखो, वी कैन सी द टू ट्यूब अफेरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज अफेरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज अफेरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस इज इफेरेंट आर्ट्रियोल। अफेरेंट आर्ट्रियोल से क्या होगा? जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो सब अंदर आएगा। ठीक है, एंटर करेगा। सारा ब्लड जब अंदर आ जाएगा, सारा मतलब जितना फ्लूड होगा सब अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो कुछ तो पार्ट यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा फिल्टर होकर। मतलब जैसे कि आरओ सिस्टम में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होगा वो बाहर रहता है और जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, ऐसे ही इसमें होगा। जो पानी होगा वो रेनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, अफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अफेरेंट आर्ट्रियोल मतलब बाहर निकलना, एफेरेंट आर्ट्रियोल मतलब आर्ट्रियोल मीन्स अंदर आना। इससे जो सारा इम्प्योर ब्लड अंदर आएगा, इससे क्या होगा? प्रेशर आएगा। प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रेशर आने की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होना शुरू रहेगा। ओके, थोड़ा सा तो पानी यहाँ से निकल जाएगा फ़िल्टर होके, और फिर जो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ से फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से फ़िल्टर होने की वजह से ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्फिलेटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या है। इसको हम कहते हैं मेल्फियन बॉडी रेनल कॉर्पस्कल। क्या बोलते हैं? मेल्फियन बॉडी रेनल कॉर्पस्कल। रेनल किडनी का दूसरा नाम होता है। ठीक है, द अदर नेम ऑफ द किडनी नॉन एज द रेनल। मेल्फियन बॉडी भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मेल्फियन बॉडी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और बोमेन कैप्सूल से बना होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है रेड वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से फिल्टर होकर कहाँ चला गया? बोमेन कैप्सूल में चला गया। ठीक है, अब कैसे होता है एक्चुअली इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी तीन प्रोसेस हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और कलेक्शन। क्या बनता है इसमें? यूरिन बनता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कैसे होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि द ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलर अंडर द ग्रेट प्रेशर। रेड वाला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस, विच इज़ बिकॉज एफेरेंट आर्ट्रियोल इज नैरो। ठीक है, क्योंकि एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो साइज़ है वो आप देख रहे हो नैरो है। इसका साइज़ क्या है? एफेरेंट का साइज़ क्या है? ब्रॉड है। जबकि एफेरेंट का साइज़ क्या है? नैरो है। इसकी वजह से क्या होगा? बोमेन कैप्सूल में प्रेशर आ जाएगा। बोमेन कैप्सूल में प्रेशर आने की वजह से ये यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होना शुरू रहेगा ब्लड।
बिकॉज ऑफ द एफेरेंट आर्टिकल्स नैरो ऑल द सब्सटेंस यूजफुल एंड नॉन यूजफुल प्रेजेंट इन द ब्लड इज फिल्टर एंड एंटर फ्रॉम द ग्लोमेरुला इनटू द बोमेन कैप्सूल थ्रू द पोल जिस इन इस पोर्स को हम क्या बोलते हैं फेनेस्ट्रे क्या बोलते हैं मैंने फेनेस्ट्रे ठीक है यहाँ से प्योर और इम्प्योर ब्लड आएगा क्योंकि इसका साइज ब्रॉड है और क्योंकि इसका साइज नैरो है डिफ्यूज़ होने के लिए ब्लड यहाँ प्रेशर लगाएगा यहाँ प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ से डिफ्यूज़ आउट होना शुरू हो जाएगा डिफ्यूज़ आउट होने की वजह से ये क्या चला जाएगा पीसीटी में चला जाएगा पीसीटी क्या होता है देखते हैं देखो दिस इज द यूनिट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इसी में ही सारा यूरिन रीअब्जॉर्ब होता है इसी में ही सारा ब्लड रीअब्जॉर्ब होता है ये किसका पार्ट है किडनी का ही पार्ट है किडनी में प्रेजेंट होता है देखो क्या है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी का पार्ट है ये ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं न्यूरॉन क्या बोलते हैं हम इसे न्यूरॉन नेफ्रॉन दिस इज नेफ्रॉन ओके रीअब्सॉर्प्शन नेफ्रॉन में होगा हमने देखा था कि जो मटेरियल डिफ्यूज हुआ था वोमेन कैप्सूल से वो कहाँ चला गया पीसीटी में चला गया वो पीसीटी कहाँ है वी कैन सी दिस इज एफेरेंट एंड दिस इज एफेरेंट ओके जो एफेरेंट से यहाँ से पार्ट आया ठीक है यहाँ से क्या चला गया वो पीसीटी में चला गया पीसीटी दिस पार्ट इज नोन एज द पीसीटी ठीक है दिस पार्ट इज नोन एज द पीसीटी अब पीसीटी में क्या होगा जो यूजफुल सब्सटेंस है यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज ठीक है जो जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सब यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे वो सब यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं ठीक है फिल्टर होने के बाद पीसीटी से फिल्टर हो गए रीअब्जॉर्ब हो गए पीसीटी से यूजफुल सब्सटेंसेस वो कहाँ चले जाते हैं हम डिसेंडिंग असेंडिंग दिस इज नोन एज द डीसीटी अब डीसीटी में चले जाएंगे डीसीटी किससे जुड़ा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जुड़ा होता है डीसीटी में क्या होगा जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे पार्ट्स थे वो सब कहाँ रीअब्सॉर्ब हो गए पीसीटी में अब डीसीटी में क्या होगा जो सोडियम है सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा ठीक है सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा अब जो यूरिन बनेगा वो यूरिन कहाँ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में जाके सारा यूरिन कलेक्ट हो जाएगा ये कलेक्ट होने के बाद कहाँ जाता है ये पहले हम रीड कर लेते थोड़ा सब्सटेंस दैट आर यूजफुल लाइक द ग्लूकोज दैट यूज बाय आर बॉडी इज पुट बैक इनटू द कैपिलरी ब्लड रिमेन लेफ्ट इज रिगार्डेड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वेटर वाटर अब्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन दिस देयरफॉर द वाटर इन द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द यूरिन ओके कलेक्टिंग डक्ट में चला गया यूरिन फॉर्मेशन हो गया यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाने डीसीटी स्मॉल मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिलियंस ऑफ होती हैं ठीक है तो ये क्या है फॉर्म द बिगर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फाइनली दे पोर देयर सिक्रीशन टू द रेनल पिरामिड अब रेनल पिरामिड देख सकते हैं दिस इज द रेनल पिरामिड ये यूरिन फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा रेनल पिरामिड में चला जाएगा ये रेनल पिरामिड से यूरिन कहाँ जाएगा यूरिन रेनल पिरामिड से यूरेटर्स में यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में जब वॉइडिंग यूरिन होगा तो ये रिलीज होगा ये वॉइडिंग यूरिन का मतलब क्या है कि जब सिग्नल आएगा कि अब तुम्हें पास करना है ठीक है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे द प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन आउट थ्रू द यूरिथ्रा इज कॉल्ड द यूरिनेशन अब क्या होता है कि यूरिन का प्रेशर आता है
यूरिन पास कर किया जाता है, यूरिन का प्रेशर आता है, यूरिन को रोक भी सकते हैं। वो किस वजह से रोक सकते हैं? एक सिग्नल की वजह से रोक सकते हैं, एक मसल्स की वजह से रोक सकते हैं। ठीक है, मसल्स होती है यूरिथ्रा के पास, ठीक है, तो वो क्या करती है, यूरिन को रोक कर रखती है। जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है कि बार बार यूरिन आता है, उसका कंट्रोल भी नहीं होता, तो उसकी मसल्स वीक हो जाती है। इसका मतलब, अब लूपो फैलने का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करती है। कि अगर यूरिन में हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यूरिन में हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, अगर ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट ऑफ द वाटर हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो यूरिन, तो लूपो फैलने क्या करेगा कि यूरिन को कंसंट्रेट करता है, कि अगर ज़्यादा पानी बॉडी में होगा तो ज़्यादा, तो उसको सिग्नल आएगा। सिग्नल कहाँ से आएगा, जो हमने किडनी के ऊपर टॉपोस पार्ट पे देखा था ना, ये एल्डोस्टीर एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, लूपो फैलने को सिग्नल देगी कि यूरिन पास का एक सिग्नल देगी, तो वो क्या करेगा, उस यूरिन को कंसंट्रेट करेगा और तब वो वॉइडिंग होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द पासिंग द यूरिन आउट थ्रू द यूरिथ्रा इज कॉल्ड द यूरिनेशन। द फंक्शन ऑफ द लूपो फैलने इज टू कंसंट्रेट यूरिन। क्या करता है, वाटर को बैलेंस करके रखता है। अगर वाटर बैलेंस नहीं होगा तो हमारी बॉडी पानी कमी हो जाएगी। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर एंड द आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। दिस प्रोसेस नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफ़ द वाटर कंटेंट इज़ हाई, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा बॉडी में, तो ADH कहाँ प्रेजेंट था, ADH क्या प्रेजेंट था, किडनी के टॉप मोस्ट पार्ट पर प्रेजेंट था। ADH क्या होता है, ADH क्या होता है, सिग्नल देता है, हार्मोन है, सिग्नल देता है, मेक द लूप ऑफ द हैनले इज मोर परमिएबल टू द वाटर। ठीक है, सो दैट, मतलब लूप ऑफ हैनले को कहते हैं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करो, सो दैट द मोर यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड यूरिन विल बी डाइल्यूट इन दैट केस। अब ये होता है हमारी बॉडी में किडनी का काम। सपोज किडनी खराब हो जाए, फिर यूरिन कैसे बनेगा? ये तो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो डिसीज़ हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। और सपोज़ किडनी ख़राब हो जाए तो कैसे उसका फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का? तो इसके लिए रेनल क्या बोलते हैं, रेनल किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। किडनी फेलियर कैसे होता है, एक्सीडेंट इंजरी की वजह से हो सकता है या डिसीज़ की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए भी कुछ उपाय हैं, ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर्स। क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रांसप्लांटेशन और आर्टिफिशियल किडनी। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक नई किडनी लगा देंगे, ठीक है, अगर एक नई किडनी लगा देंगे, क्योंकि एक किडनी से भी एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है। एक जो स्वस्थ किडनी होगी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर सकती तो उसको क्या देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी मतलब होता है डायलिसिस, डायलिसिस कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी को। ये कैसे होता है डायलिसिस, ये डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस कहते हैं इसको। हीम मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब कि डाइल्यूट करना, ब्लड को डाइल्यूट करना, ठीक है। तो वो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होगा, मिलियंस ऑफ ट्यूब्स होती हैं सिस्टम में, अलग अलग मिलियंस ऑफ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इस सिस्टम में, इस सिस्टम को छोड़ देते हैं ह्यूमन से, ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम द रेनल आर्टरी से ब्लड जाता है, इम्प्योर ब्लड रेनल आर्टरी से पास फ्रॉम द सेलुलोज ट्यूब्यूल, पास फ्रॉम द सेलुलोज ट्यूब, इम्प्योर सब्सटेंस रिफ्यूज आउट। जो कि इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो तो बाहर निकल जाता है, और जो प्योर सब्सटेंस होता है वो वापस अंदर चला जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो इसी कहते हैं डायलाइजर, ठीक है, किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट है ये। अब प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में प्लांट कैसे होता है, या इंसेक्ट में एक्सक्रीशन कैसे होता है, या फिर बर्ड्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। प्लांट से क्या एक्सक्रीशन होता है, प्लांट से क्या नहीं निकलता है, कार्बन, प्लांट से क्या निकलता है, ऑक्सीजन देता है प्लांट हमें, वाटर भी रिलीज होता है। वाटर कहाँ रिलीज होता है, हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, कि सॉइल से वाटर ऊपर जाता है और वो पत्तियों पर पानी आ जाता है और वो रिलीज हो जाता है जब सनलाइट उसके ऊपर आती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ द वाटर, इसे कहते हैं एक्सक्रीशन हो रहा है इनसे भी, तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं प्लांट्स, ठीक है, और वाटर भी रिलीज करते हैं।
रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जब स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, वाय द स्ट्रोमेटा। ओके, क्या क्या रिलीज़ होता है? वाटर, CO2 और ऑक्सीजन। ओके, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का ब्रेक डाउन हुआ था, ब्लड में चला गया। फिर अब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कहाँ से आई? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आई। ऑक्सीजन ने उस खाने को जलाना शुरू कर दिया, जिससे हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। अब बॉडी में जो वेस्ट बना, अलग अलग, वो वेस्ट कहाँ गया? वो वेस्ट बाहर निकल गया। किसके थ्रू निकल गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल गया। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। और किडनी का फंक्शनल सेल कौन सी होती है? नेफ्रोन। किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रोन, ठीक है। जैसे कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम किससे बना होता है? सेल से बना होता है। वो सेल क्या है? नेफ्रोन है। और नेफ्रोन से क्या बना है? मिलकर बना के किडनी बनी है, ठीक है। किडनी सेल से, किडनी नेफ्रोन से बना हुआ है। तो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रोन, ठीक है। पढ़िएगा चैप्टर ध्यान से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।